हेलो फ्रेंड्स, आज आप मेरे साथ 2 मीटर कपड़े में सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर फैब्रिक है मेरे पास 2 मीटर, लंबाई हमें बनानी है 39, मोहरी 14 इंच और कमर है हमारी 36 यानी 36 इंच। तो ये नाप है और ये है मेरे पास फैब्रिक जो कि है 2 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना मार्जिन ऐड करेंगे सलवार का, तो वो हमने ऐड कर लिया है 3 इंच, तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 42 इंच। अब हम अपनी लंबाई को 42 इंच मानेंगे और यहाँ से हम अपने बेल्ट की लंबाई को घटा लेंगे, यानी बेल्ट अगर आप 8 लेते हैं तो 8 घटा लें, 9 लेते हैं तो 9 घटा लें, तो ये हमारे पास आ जाता है 34 इंच का घेर। तो सबसे पहले कपड़ा देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर निशान लगा दिया मैंने 34 इंच का और इस कपड़े को कर दिया मैंने डबल फोल्ड 34 इंच में। जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम अलग कर लेंगे। अब उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड करके मैंने इसे 4 फोल्ड में कर लिया। मोहरी हमारी 7 इंच यानी कि 14 का हाफ, 7 इंच और हाफ इंच मार्जिन रख लिया 7.5 इंच। और इस साइड जो किनोर वाला हिस्सा है वहाँ पर हम इसका सेंटर निकालेंगे 34 का, तो हो जाता है 17 इंच। तो वहाँ से इस तरीके से हम इसको तिरछा कर लेंगे मोहरी वाले निशान तक। तो ये बिल्कुल तिरछा हो गया है, यानी कि एक तरीके से हमारी कलियाँ निकल रही है ये साइड में से। तो ये जो है इसे हम इस तरीके से घुमा लेंगे। अब ये कलियों में से हमें आसन निकालना होगा जो कि मैं निकाल रही हूँ 8.5 इंच में। अब यहाँ से जो हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है उसको काट कर अलग कर लेंगे और ये हमारा एक पैर का घेर हो जाता है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर 8 इंच में हमें अपना बेल्ट जो है वो कट करना है, और जो पीछे बच रहा है उससे हमारी मोहरी बनेगी। तो अब देखिए हमारा जो कमर का नाप था वो 36 था, तो हम इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे यानी लूजिंग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 44, उसका हाफ हो जाता है 22। अभी हमारे पास 21 ही है, इसका मतलब इसमें हम थोड़ा सा जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ेंगे कहाँ से, तो ये जो आसन में से हमारे तिरछे टुकड़े निकले हैं उसे आप इस तरीके से जोड़ें। ये देखिए थोड़ा सा नीचे, अगर आप बराबर करेंगे तो लंबाई कम पड़ जाएगी, इस तरीके से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ जोड़ लें तो हमारी लंबाई बराबर आ जाएगी 8 इंच। तो ये हो गई हमारी सलवार की कटिंग। अब देखिए मैंने तिरछा जोड़ लिया है और इसे बेल्ट में अटैच कर लिया, जितना ज़रूरत हो उतना। उसके बाद इस बेल्ट को हम राउंड शेप बना लेंगे, तो 2 इंच जो है लगभग ऊपर से इसको छोड़ते हुए हमें सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर नाड़ा डालने के लिए हमारा जो उलट पट्टी है वो उलट हो जाएगी। तो ये बेल्ट में हम उलट लेंगे अपनी पट्टी को। तो ये बेल्ट रेडी हो गया है। आप देखिए यहाँ पर सेंटर है, तो उसको मैंने और फोल्ड करके 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, निशान लगा दिया है। अब जो कलियाँ निकली है हमारी 4 छोटी वाली, तो वो चारों कलियाँ हम जोड़ लेंगे पहले। ये देखिए जुड़ गई है हमारी कलियाँ। तो इसी तरीके से जोड़ने के बाद बीच वाले जो आसन है उसकी सिलाई चला लेंगे। आसन पे हमें 2 सिलाई चलानी है। तो ये दोनों ही साइड में हमने आसन जोड़ के राउंड बना लिया है। अब ये जो बेल्ट में है सलवटें डालनी कैसे हैं, तो ये बेल्ट का पीछे वाला हिस्सा है और ये है आसन वाला हिस्सा, तो आसन को हम थोड़ा सा आगे निकाल लेंगे और वापस चलेंगे हम साइड वाले निशान तक। तो साइड वाले निशान से ही होते हुए हमें चलना है, पीछे का हिस्सा पहले करेंगे हम। तो ये सेंटर वाला निशान, तो यहाँ पर हम 2-3 छोटी छोटी सलवटें डाल लेंगे पीछे के हिस्से में। दोनों ही साइड में 3-3 सलवटें मैंने डाल ली है, तो ये पीछे वाला हिस्सा हमारा कवर हो गया है। अब हम वापस चलेंगे साइड वाले निशान तक। तो ये साइड वाला निशान आ गया। यहाँ से हमारी सलवटें बराबर डालने के लिए हम पहले निशान कर लेंगे, मैंने 1-1 इंच पर निशान कर लिया है। अब देखिए सबसे पहले हम पीछे की साइड में ये सलवटें डालेंगे, देखिए बैक साइड में डल रही है। जब तक वो सेंटर का निशान नहीं आता अगला, तब तक हमें इसी तरीके से सलवटें डालनी है।
अब देखिए सेंटर का निशान आने के बाद वापस से हम एक एक इंच पर निशान लगाएंगे और ये जो हमने पहले जो है पीछे की साइड में डाली थी अब अपनी साइड में आगे की तरफ ये सलवटे लगाएंगे। और उसके बाद एक सिलाई बेल्ट पर हम चला लेंगे ताकि सलवटे भी जम जाए। अब देखिए मोहरी के लिए मेरे पास कमी कपड़ा बचा है, आप चाहें तो दूसरा भी लगा सकते हैं। तो ये बुकरम जिस चौड़ाई में आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। तो पहले कॉर्नर पर और उसके बाद में ऊपर के साइड में एक सिलाई चला के इस बुकरम को हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद आप अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार की जो डिज़ाइन आपको आती है वो आप इस पर बना सकते हैं। और हाफ इंच जो हमने मार्जिन रखा था उसी के हिसाब से बीच वाली सिलाई हम इसमें चला लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।